करीना कपूर बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेसेस में से एक हैं। लेकिन करीना ने इन दिनों काम से ब्रेक ले लिया है, क्योंकि करीना इसी साल फरवरी में दोबारा मां बनी हैं। लेकिन लगता है दोबारा मां बनने के बाद उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। करीना ने हाल ही में बताया था कि सेकेंड बेबी के बाद वो काफी दर्द से गुजर रही हैं और उनको काफी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना करना पड़ रहा है। अब करीना से जुड़ी एक और बुरी खबर सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करीना कपूर पिछले कुछ समय से काफी विवादों में फंसी हुई हैं और करीना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि करीना जल्द ही बड़े पर्दे पर सीता का किरदार निभा सकती हैं, जिसके लिए उन्होंने 12 करोड़ फीस की मांग भी की थी। लेकिन करीना को इस रोल के लिए 12 करोड़ रुपए फीस मांगने की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था और सोशल मीडिया पर करीना को बॉयकॉट करने की मांग भी उठने लगी थी। तब से लेकर अब तक करीना को काफी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबरों की माने तो इस फिल्म के मेकर्स करीना कपूर की जगह कंगना रनौत को फिल्म में साइन करने की सोच रहे हैं। करीना को लेकर हो रही कंट्रोवर्सी की वजह से फिल्म के मेकर्स करीना को हटा के कंगना को इस फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। बता दें, सीता काफी बड़े बजट की फिल्म है और इसका बजट करीब 300 करोड़ है। ये फिल्म करीना के करियर को और भी ऊंचाइयों पे ले जा सकता था, लेकिन अब करीना के हाथ से एक बहुत बड़ी फिल्म निकल गई है और उन्हें 12 करोड़ का भारी नुकसान भी हुआ है। इसके साथ ही करीना का इमेज भी लोगों के बीच काफी खराब हो चुका है। तैमूर की मां होने की वजह से लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं और उनके फिल्मों को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। करीना को हुए इस भारी नुकसान के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड राइड्स।